हेलो, दीपक केळकर दिस साइड। धंधा डबल कैसे करना, इसके बारे में कुछ बातचीत मैं आपसे करने वाला हूं। हम सोचते हैं कि हां, एक दुकान लगा दिया, वहां एक व्यक्ति है, गल्ले पे वही बैठ रहा है, खरीदी माल की वही कर रहा है, सब वही कर रहा है, तो धंधे वाला है नहीं, क्योंकि उसको टाइम मिलते ही नहीं, क्योंकि पैसे भी उसने जमा करना, माल भी उसने खरीदना, लोगों को भी उसने अटेंड करना है, खाने को भी टाइम नहीं, तो वो कहां जाएगा, वो तो छुट्टी भी ले सकता नहीं। असली धंधे वाला जो है कि जो घूमने फिरने जाएगा, मजा करेगा, और वो तब पॉसिबल है, टाइम फ्रीडम या और मनी फ्रीडम तब पॉसिबल है जब वो लोगों को ट्रेन करेगा। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और अलग अलग डिपार्टमेंट खड़े करना, और उसके लिए जरूरी है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। तो वो भी हम कोचिंग करते हैं लोगों को, जब मेरे पास में लोग आते हैं तो SOPs कैसे बनाना, सिस्टम्स कैसे लगाना, प्रोसेस कैसे लगाना, लोगों को कैसा ट्रेनिंग देना, लोगों का संदर्भ, लोगों के दिमाग में काम क्यों करने का है उसका संदर्भ कैसे निर्माण करना, फिर टाइम कैसे मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट है, तो फिर ये सब यदि वो सीखता है तो एक बहुत बड़ा धंधा उसका खड़ा हो सकता है। सभी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यही अप्लाई करते हैं उनके धंधे में। यदि आप नई बातें नहीं सीखेंगे, नया नया नहीं अपनाएंगे, तो क्या होगा, धंधा खत्म हो जाएगा। धंधा एक तो बढ़ना चाहिए, और धंधा नहीं बढ़ा तो वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी धंधे जो है, कोई भी धंधा मतलब बिजनेस चालू करते हैं ना लोग, तो 10 साल में यदि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया तो 10 साल में 10 में से 9 लोगों ने धंधा बंद किया रहता है, एक ही धंधा चालू रहता है, और बंद होने के काफी सारे कारण है। तो वो कारण जो है वो निकालना, SOPs क्रिएट करना, और नई नई चीजें लाना, क्योंकि आप नई चीजें नहीं लाओगे धंधा बैठ जाएगा। आप देखो, कोई भी कंपनी, जैसे अभी नोकिया कंपनी है, अब नोकिया कंपनी के मोबाइल्स इतने फेमस थे, इतने बहुत लोगों के, हर व्यक्ति के हाथ में नोकिया का मोबाइल था, आज नोकिया का मोबाइल दिखता ही नहीं, क्यों, कंपनी कुछ नया किया ही नहीं। जो लोगों ने, जो कंपनियों ने नया मोबाइल लाए, नए एप्लीकेशन लाए, नए उसमें फीचर्स लाए, वो फटाफट सामने आ गए और वो मोबाइल बिकने लगे, आज नोकिया दिखता भी नहीं, नोकिया खत्म हो गया, काफी सारे है। मतलब तो नई चीज लाना बहुत जरूरी है। एक जमाना ऐसा था कि एम्बेसडर कार जो थी और फियाट कार जो थी, उसके लिए लाइन लगती थी, नंबर नहीं लगते थे। आज फियाट और एम्बेसडर आपको दिखती भी नहीं है, कंपनी ने कुछ नया किया ही नहीं, जो चालू था वो चलने दिया। तो नया लाना, क्रिएटिविटी करना, और रिस्क लेना, ये धंधे वाले का काम है। तो ये मेरा अभी इसके लिए, अभी के लिए तो यही कोचिंग है, और सभी धंधे वाले लोग ये मैंने अभी जो बोला वो अपनाते हैं। तो 1 साल में डबल धंधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में धंधा कैसे ग्रो करना, डबलिंग कैसा करना, डबल योर इनकम कैसे करना, इसके बारे में जानकारी हेतु आप मेरे YouTube की वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।